गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ अंकिता चौधरी फ्रॉम भिवानी हरियाणा। करंटली आई एम परसुइंग बीटेक फैशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक फीड मैकेनिज्म सिस्टम एंड हेयर वी स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फीडिंग मैकेनिज्म? फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है? ये एक बेसिक मोशन होता है जो कि निडल्स, लूपर्स और बॉबिन्स के बीच में होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हम हमारा फैब्रिक है या फिर हमारा वर्क पीस है, हम मशीन में उसको इंसर्ट करते हैं उसकी सिलाई करने के लिए, उसकी स्टिचिंग करने के लिए, तो वो अपने आप आगे वो जो मूव करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फीडिंग मैकेनिज्म। बेसिकली ये हमें बताता है कि जो हमारी निडल्स होती हैं, बॉबिन्स होते हैं, लूपर्स होते हैं, जो ऑक्सिलरी फीड मैकेनिज्म के जो पार्ट्स होते हैं लाइक फीड डॉग हो गया, थ्रॉट प्लेट, निडल, प्रेशर फुट, और जो हमारा फैब्रिक जो हमें सिलना है, जो स्टिच करना है हमें फैब्रिक, ये सब अपने आप कैसे मूव करते हैं ये हमें बताता है। फीडिंग मैकेनिज्म की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? फीडिंग मैकेनिज्म सिस्टम से क्या है, हमारा जो फैब्रिक है वो कंट्रोल रहता है ताकि जो हमारी स्टिचिंग आए वो कंटिन्यूस आए। अगर हमें कंटिन्यूस स्टिचिंग चाहिए तो हमें प्रॉपर हमारा फीडिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर अगर हमें एक्यूरेट लाइन ऑफ स्टिचेस चाहिए, मतलब हमें सीधे स्टिचेस चाहिए, अच्छे प्रॉपर नीट एंड क्लीन अगर हमें स्टिचेस चाहिए, तो क्या है, हमारा जो फैब्रिक मूव कर रहा है जहाँ पे, तो वो वहाँ पे एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है वो तीन कॉम्पोनेंट से मिल के बनता है। पहला प्रेशर फुट, फिर थ्रॉट प्लेट और फीड डॉग। अब बात करते हैं थ्रॉट प्लेट क्या होता है। थ्रॉट प्लेट क्या होता है? एक बेसिक सा कंपोनेंट होता है हमारी स्विंग मशीन का। हम इसको निडल जहाँ पे हमारी होती है स्विंग मशीन के, उसके नीचे हम इसको इंसर्ट करते हैं। इसको हम निडल प्लेट बोल देते हैं, इसको हम स्टिचिंग प्लेट भी बोल देते हैं। ये एक मेटल की बनी हुई प्लेट होती है और थ्रॉट प्लेट को हम स्क्रू की हेल्प से हम फिक्स करते हैं। जो हमारी थ्रॉट प्लेट होती है वो तीन कॉम्पोनेंट से मिल के बनी होती है। पहला स्लिट, फिर निडल होल और स्क्रू। स्लिट क्या होता है? जो हमारी जो थ्रोट प्लेट होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक चीज़ जो फिक्स होती है, दूसरी क्या होती है, हम उसको एडजस्ट मतलब खोल सकते हैं। खोलते किस लिए? ताकि हम बॉबिन को इजीली इंसर्ट कर सकें हमारी मशीन में, तो वो स्लिट। फिर है निडल होल। हमारी थ्रोट प्लेट में क्या होता है, एक होल भी होता है निडल के लिए, ताकि जो हमारी निडल उसमें से मूव कर सके, जो अप एंड डाउन मूव करती है तो हमारी निडल उसमें से मूव कर सके, इसलिए उसमें निडल होल भी होता है। फिर है स्क्रू। स्क्रू की हेल्प से हमारी जो निडल जो प्लेट होती है सॉरी जो थ्रॉट प्लेट होती है वो फिक्स होती है स्विंग मशीन के अंदर। अब है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या होता है? एक अटैचमेंट होती है स्विंग मशीन की जो कि फ्लैट होती है, और इसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा फैब्रिक, ये हमारे फैब्रिक को होल्ड करके रखती है कि जब हमारी जो निडल है अप एंड डाउन मूव करेगी, ऊपर नीचे जाएगी, तो उसके साथ हमारा फैब्रिक भी ऊपर नीचे मूव ना करे, होल्ड करके रखने के लिए हमें प्रेशर फुट की ज़रूरत पड़ती है। अब है फीड डॉग। फीड डॉग क्या होता है? मेटल बार्स होती हैं, दो या तीन या उससे चार भी हो सकती हैं, और ये टिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, डायगनल टिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या कहाँ इंसर्ट होता है, जो हमारी थ्रॉट प्लेट होती है, निडल प्लेट होती है, उसके बीच में स्पेस होती है, तो उस स्पेस के अंदर हम फीड डॉग को इंसर्ट करते हैं। इसका पर्पस ये है कि जो हमारा फैब्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो हमारा वर्क पीस हम इंसर्ट कर रहे हैं, उसको आगे मूव कराता है फीड डॉग। फीड डॉग की हेल्प से हमारा फैब्रिक आगे मूव करता है। अब है फंक्शंस ऑफ फीड मैकेनिज्म। कि फीड मैकेनिज्म के क्या क्या फंक्शन है? एक तो ये कि जो हमारा फीडिंग जोन है, वो एरिया जहाँ पे हम हमारे फैब्रिक को इंसर्ट करना है, फीड करना है, वहाँ पे हमारा फैब्रिक ईजिली मूव करे। फिर है इस ये हमें जो हमारा स्टिच है उसकी जो लेंथ है, इंडिविजुअल स्टिच की जो लेंथ है, बड़ा स्टिच चाहिए, छोटा स्टिच चाहिए, तो उसकी लेंथ को ये डिसाइड करता है। हमारे जो स्विंग में फॉल्ट ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसको अवॉइड करने के लिए फीडिंग मैकेनिज्म की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब है टाइप्स ऑफ फीड मैकेनिज्म। वैसे तो बहुत तरह के होते हैं फीड मैकेनिज्म, बट मेनली 5 या 6 तरह के होते हैं, जैसे ड्रॉप फीड मैकेनिज्म, डिफरेंशियल बॉटम फीड मैकेनिज्म, यूनिसन फीड मैकेनिज्म, एडजस्टेबल टॉप फीड मैकेनिज्म, निडल फीड मैकेनिज्म एंड पुलर फीड मैकेनिज्म। अब हम एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। ड्रॉप फीड मैकेनिज्म, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं हम, मेनली इसके
चार कंपोनेंट्स हैं, चार भी नहीं कह सकते, तीन कह सकते हैं। एक तो प्रेशर फुट, निडल बार, निडल, फिर ये एरो करके दिखा रहा है प्रेशर फुट, निडल, निडल, निडल बार, फैब्रिक लेयर, ये हमारा फीड डॉग है। इसको हम रेगुलर फीड भी बोल सकते हैं, ड्रॉप फीड मैकेनिज्म को या फिर ड्रॉप फीड सिस्टम को हम रेगुलर फीड भी बोल सकते हैं। ये जो हमारी स्विंग मशीन होती है उसका सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है, इससे सिंपल कोई और फीडिंग मैकेनिज्म का सिस्टम नहीं है। सबसे सिंपल है ड्रॉप फीड मैकेनिज्म। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि अभी बताया, थ्रॉट प्लेट, फीड डॉग और प्रेशर फुट। ये जो ये वाला सिस्टम होता है मेनली डोमेस्टिक, जो हम घरों में सिलाई मशीन यूज़ करते हैं, स्विंग मशीन जो घरों में रखते हैं उसमें पाया जाता है ये वाला सिस्टम। इसमें क्या होता है, मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, सीरेटेड मतलब जो टिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, तो उसको फीड डॉग बोलते हैं, जो कि कहाँ पे इंसर्ट होती है, हमारी निडल प्लेट के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ पे इंसर्ट होती है। जैसे ही निडल हमारे फैब्रिक से रिटार्ड करती है, मतलब हमारे फैब्रिक से बाहर निकलती है, तो जो उसके नीचे हमारे फैब्रिक के नीचे जो फीड डॉग लगे हुए हैं, वो फीड डॉग क्या करेंगे, हमारे फैब्रिक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देंगे, आगे की तरफ उसको मूव कर देंगे। अब यह है कि इस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉप फीड सिस्टम। सबसे पहला ये, अगर हम टू प्लाई फैब्रिक स्टिच कर रहे हैं, मतलब एक प्लाई से ज़्यादा हम स्टिच कर रहे हैं, टू या फिर थ्री जितने भी हैं, तो जो सबसे लास्ट वाली जो प्लाई होगी, सबसे लास्ट वाली हमारी फैब्रिक की लेयर होगी, वो फीड डॉग के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से मूव करेगी, बजाय कि वो जो उससे थोड़ा दूर है, मतलब जो ऊपर वाली लेयर है वो इतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगी जितनी जो फीड डॉग से अटैच है वो वाली लेयर मूव कर पाएगी। तो फिर जो दोनों प्लाईज होंगी हमारे फैब्रिक की, वो अलग अलग स्पीड से मूव करेंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से जाएंगी। तो जो ये प्रॉब्लम होती है इसको हम प्लाई शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, डिफरेंशियल फीडिंग पकर भी, फीडिंग पकर भी। फिर है जो हमारी थ्रॉट प्लेट है, जो हमारी निडल प्लेट है, अगर उसके अंदर निडल के लिए होल अगर ज़्यादा बड़ा हुआ, तो जैसे ही निडल अंदर जाएगी, उसके थ्रॉट प्लेट के अंदर जाएगी, तो साथ साथ हमारा फैब्रिक भी जा सकता है अगर वो होल बड़ा हुआ तो। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फ्लैगिंग। फिर अगर जो हमारी फीडिंग डॉग है, फीड डॉग भी बोल सकते हैं, फीड डॉग और जो फैब्रिक है, अगर इनकी पिच अगर सेम हुई, तो हमारे फैब्रिक के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बार बार कॉन्टैक्ट में आएंगी ये चीज़ें, तो कॉन्टैक्ट में आएंगी तो हमारे फैब्रिक को उस जगह से डैमेज कर देंगी वो। अब है डिफरेंशियल बॉटम फीड मैकेनिज्म। इसमें प्रेशर फुट है, निडल बार है, निडल है, फैब्रिक लेयर, और इसके अंदर क्या होता है, दो फीड डॉग होते हैं, एक तो बैक फीड डॉग और एक फ्रंट फीड डॉग। अब है इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ये है ड्रॉप फीड सिस्टम का मॉडिफिकेशन, जो हमारा ड्रॉप फीड सिस्टम जो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था उसका मॉडिफिकेशन कर रखा है ये। इसमें क्या होता है, उसमें एक फीड डॉग था, इसमें दो फीड डॉग होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कि अगर इसकी स्पीड इतनी है तो उसकी भी इतनी होगी, नहीं, उनकी स्पीड हम अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। एक जो होता है वो हमारे निडल के सामने होता है और एक हमारे निडल के पीछे होता है। जो हर जो इंडिविजुअल फीड डॉग है, मतलब जो आगे वाला फीड डॉग है और जो पीछे वाला फीड डॉग है, उन दोनों का मैकेनिज्म ड्रॉप फीड सिस्टम की तरह ही है, बट जो उनकी स्पीड है हम सेपरेटली एडजस्ट कर सकते हैं। मेनली हम इसको स्ट्रेची मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें दो फीड डॉग हैं, वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, हम इनकी स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमारे स्टिच लेंथ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जैसे अगर हम इनकी स्पीड एडजस्ट करके, जैसे एक की स्पीड ज़्यादा करके, जैसे फ्रंट वाले की स्पीड ज़्यादा कर दी पीछे वाले की कम कर दी, या फिर फ्रंट वाले की कम कर दी पीछे वाले की ज़्यादा कर दी, तो उनकी स्पीड को एडजस्ट करके हम फैब्रिक को स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग और गैदरिंग दोनों हम कर सकते हैं इस मेथड से। तीसरा है निडल फीड मैकेनिज्म। इसमें भी वही है, प्रेशर फुट, निडल बार, निडल और हमारी फैब्रिक की लेयर। इसमें क्या होता है, जो निडल होती है हमारी, वो अपने आप वो खुद ही आगे और पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है। अभी जो हमने पीछे दो सिस्टम पढ़े उनमें हमारी निडल सिर्फ दो डायरेक्शन मूव कर रही है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, बस वो स्टिच के लिए। बट इस सिस्टम में क्या होगी, जो हमारी निडल होगी वो अप एंड डाउन तो मूव करेगी स्टिचिंग के लिए,
स्टिच फॉर्मेशन के लिए, बट आगे पीछे भी मूव करेगी हमारे फैब्रिक को शिफ्ट करने के लिए। जैसे ही हमारी जो निडल होती है वो फैब्रिक में एंटर करती है, फिर वापस आती है, फिर वो पीछे की डायरेक्शन में जाती है, पीछे की डायरेक्शन में जाएगी वो फैब्रिक भी पीछे खींचेगा, फिर वो ऊपर होगी, फिर फैब्रिक के अंदर जाएगी, फिर उठेगी और फिर पीछे मूव करेगी, फिर आगे मूव करके अंदर मूव करेगी। मतलब यही है कि जो हमारी जो निडल है वही ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव करेगी स्टिच फॉर्मेशन के लिए, बैक एंड फ्रंट मूव करेगी वो हमारे फैब्रिक को आगे एडवांस करने के लिए, हमारे फैब्रिक को आगे मूव करने के लिए। ये मेनली जो बल्की मटेरियल्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे क्विल्टिंग पर्पज़ के लिए लेदर्स हो गए, कारपेट्स हो गए, इनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। जो हमारी निडल है वो टू एंड फ्रो भी मूव करती है और एज़ वेल एज़ अप एंड डाउन भी मूव करती है। ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत अच्छा है उन किन के लिए, जो हमारे स्लिपरी मटेरियल्स होते हैं जैसे सिल्क वगैरह हो गया, सिल्क फैब्रिक के लिए ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, बहुत अच्छा सिस्टम है ये, इसके रिजल्ट्स उन फैब्रिक में बहुत अच्छे आते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया कि फीड डॉग है ही नहीं, जो हमारी निडल है वही फैब्रिक को आगे मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर हमारा फीड डॉग होता है और डेलिकेट फैब्रिक है हमारा, तो उस पर फीड डॉग के निशान पड़ जाएंगे, वो डैमेज हो जाता है फैब्रिक। बट अब इसमें फीड डॉग नहीं है, इसमें सिर्फ निडल है जो फीड डॉग का काम कर रही है, तो हमारा फैब्रिक डैमेज नहीं होगा, उस पर कोई मार्क्स नहीं बनेंगे। हम अगर हमें स्टिच लेंथ अगर हमें वो करनी है, चेंज करनी है, तो हम निडल की और फीड डॉग की सेटिंग चेंज करके हमारे स्टिच की लेंथ को चेंज कर सकते हैं। मेनली तीन तरह के निडल फीड मैकेनिज्म होते हैं, फर्स्ट वन इज़ अपर पाइवट, सेकेंड इज़ सेंट्रल पाइवट एंड थर्ड इज़ पैरेलल ड्राइव। जो हमारे पाइवटिंग मेथड होते हैं जैसे अपर पाइवट हो गया और सेंट्रल पाइवट हो गया, इसमें क्या होता है जो हमारी निडल मूव करती है किसी एंगल पे मूव करती है, जैसे 40 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ऐसे किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमारी निडल मूव करती है। बट जो हमारा पैरेलल ड्राइव है उसमें हमारी निडल सिर्फ आगे पीछे मूव करती है, मतलब फैब्रिक को जब हमें मूव कराना होता है आगे, फैब्रिक को मूव कराने के लिए पाइवटिंग मेथड में तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हमारी निडल मूव करेगी, बट पैरेलल ड्राइव में वो आगे और पीछे नॉर्मली मूव करेगी। अब है यूनिसन फीड मैकेनिज्म, जैसे देख सकते हैं प्रेशर फुट, निडल, निडल बार, फैब्रिक लेयर, जैसे ये अलग से शो कर रखा है, निडल है, फिर फीडिंग फिट है, फिर है होल्डिंग फिट, एक जो फीड करता है वो और एक जो होल्ड करके पकड़ के रखता है वो। अब इसमें क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन तो कौन सा होल्ड करके रखेगा, जो पकड़ के रखेगा, जो दूसरा सेक्शन होगा फीडिंग फिट, मतलब जो कि क्या करेगा आगे मूव कराएगा, फीड कराएगा आगे। ये निडल फीड पॉजिटिव टॉप एंड बॉटम फीड के कॉम्बिनेशन से बना है ये वाला सिस्टम। इसमें क्या होता है दो प्रेशर फुट होते हैं इसमें भी, सॉरी दो फीड डॉग होते हैं इस सिस्टम में भी, एक जो होता है वो प्रेशर फुट के अंदर होता है और एक थ्रॉट प्लेट में, जैसे नॉर्मली ड्रॉप फीड में होता है वैसे होता है। तो दो होते हैं इसके अंदर, एक प्रेशर फुट के अंदर और एक थ्रॉट प्लेट में। जो प्रेशर फुट के अंदर वाला जो हमारा फीड डॉग होता है वो जब निडल मूव करती है, निडल के साथ साथ ही वो मूव करता है सेम डायरेक्शन में, तो अब इसके अंदर दो दो हैं फीड डॉग, तो इसमें भी प्लाई शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। मेनली हम इसको यूज़ नहीं करते, बस अगर कोई स्पेशल केस है तो स्पेशल केस में हम इसको यूज़ करते हैं, और उन फैब्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं जिनका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो बहुत लो होता है, उन फैब्रिक की स्टिचिंग के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए भी हम क्या करते हैं इस सिस्टम का यूज़ करते हैं। लास्ट वन इज़ पुलर फीड मैकेनिज्म, जैसे इसमें देख सकते हैं प्रेशर फुट है, निडल बार है, निडल है, फैब्रिक लेयर है, नीचे लेफ्ट साइड दिखा रखा है दो रोलर्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, एक फैब्रिक लेयर के ऊपर है और एक फैब्रिक लेयर के नीचे है। दूसरी पिक्चर में हम इजीली देख सकते हैं कि एक रोलर है। ये क्या है, ड्रॉप फीड सिस्टम का मॉडिफिकेशन है ये भी। इसमें क्या होता है अ पेयर ऑफ रोलर इज यूज, मतलब दो रोलर इसमें यूज करे जाते हैं। जो रोलर होता है ये एक तो प्रेशर फुट के पीछे होता है वो, जो कि क्या करता है, जो प्रेशर फुट के पीछे होता है वो पुलिंग मोशन प्रोवाइड कराता है, पुलिंग मतलब हमारे फैब्रिक को खींचता है, वो पुल करता है आगे की तरफ, अपनी तरफ खींचता है।
और फिर जो टॉप रोलर होता है, मतलब दो रोलर होते हैं, एक फैब्रिक लेयर के ऊपर एक फैब्रिक लेयर के नीचे, तो जो हमारा टॉप रोलर होता है, जो ऊपर होता है, वो क्या करता है, मशीन जब चलती है तो मशीन के साथ साथ ही चलता है, बट जो हमारा नीचे वाला रोलर होता है उसको हमारा जो ऊपर वाला रोलर है उसका उसके प्रेशर से और उसके कंट्रोल से नीचे वाला चलता है। ऊपर वाला तो चलता है हमारे मशीन के साथ, बट जो नीचे वाला होता है वो ऊपर वाले टॉप रोलर के कंट्रोल और प्रेशर से चलता है। जो पुलर रोलर की जो स्पीड होती है वो स्लाइटली हायर होती है फीड डॉग से, क्योंकि वो रोल करेगा तो वो उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है नॉर्मल फीड डॉग की स्पीड से। तो जो हमारा मटेरियल होगा वो दोनों रोल्स के बीच में से पास करेगा। इसको मेनली हम अकेला यूज़ नहीं करते, इसको किसी और फीड मैकेनिज्म के साथ, फीड सिस्टम के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि पुलर का यूज़ कर लिया और ड्रॉप का यूज़ कर लिया। तो ड्रॉप में क्या होगा, एक सिंगल ड्रॉप सिस्टम में एक सिंगल फीड डॉग होगा, और आगे अगर हम फिर उसके कॉम्बिनेशन के साथ अगर इसको यूज़ करेंगे तो आगे दो रोलर्स भी यूज़ होंगे। तो कुछ तो हमारे फीड डॉग आगे मूव कराएगा, कुछ जो हमारे रोलर्स होंगे वो हमारे फैब्रिक को आगे मूव कराएगा। मेनली ये सुटेबल किसके लिए, स्ट्रेट रन्स जो हमें सीधे सीधे स्टिचेस करने हैं, और जो लार्ज रेडियस कर्व्स हैं उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो जो रोलर्स होते हैं, वो जो फीड रोलर होता है वो किस काम में आता है, बस वही है कि हमारे फैब्रिक को वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आता है। और कब यूज़फुल होता है ये सिस्टम, उन मशीन्स में ज़्यादा यूज़फुल होता है जिन मशीन्स में मल्टीपल निडल्स यूज़ होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा निडल जिन मशीन्स में यूज़ होती हैं उनमें ये सिस्टम बेस्ट वर्क करता है। एंड दैट्स इट, थैंक यू।